स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमरप्रियः श्रण्वद्भिरुपगायद्भिरुत्तम श्लोक चेष्टितम्। क्या प्यारा श्लोक है महाराज जी, क्या कहें, लिखने योग्य श्लोक है। देवताओं को जो अत्यंत प्रिय स्वर्ग है, वह भी अम्बरीश जी की प्रजा के लोग नहीं चाहते थे, ना तो धरती के किसी पदार्थ को पाने की उनकी इच्छा थी, ना ही स्वर्गादि के भोगों को प्राप्त करने की वह इच्छा उनकी थी। क्यों? क्योंकि श्रण्वद्भिः उपगायद्भिः उत्तम श्लोक चेष्टितम्। वे सबके सब भगवान की कथा सुनने में और कथा कहने में लगे रहते थे, इसलिए उनको न धरती के किसी पदार्थ की इच्छा थी, न स्वर्गादि लोगों के भोग की इच्छा थी। अच्छा अब बताओ, हम लोगों की इच्छा धरती के पदार्थों को भोगने की रहती है कि नहीं? खूब रहती है। दिनों रात कथा कहने के बाद, बारों मास कथा कहने के बाद भी ईटा पत्थर बटोरने की इच्छा, रुपया कौड़ी इकट्ठा करने की इच्छा, पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाई की इच्छा बनी रहती है। अत्यंत निर्लोभ और निष्काम भाव से कथा में प्रवृत्ति कितने लोगों की होती है। और अब तो मांगने का धंधा और चल गया, कौन कितना अधिक मांग सकता है, कितने प्रकार से मांग सकता है। एक रोटी का दे दो, आधी रोटी का इतना दे दो, हैं? एक और, भगवान की कथा व्यवसाय का साधन बनकर के रह गई है, बहुत दुख की बात है। इसलिए न कहने वालों का मन लौकिक पारलौकिक भोगों से हटता है, और ना ही सुनने वालों का हटता है। ईमानदारी से भगवान का चरित्र कहा सुना जाएगा तो संसार की किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं होगी। हम कहते हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग तुमको मिलता कब है, नरक में तो ठोर नहीं है, स्वर्ग कहाँ से मिलेगा। संसार की सामान्य वस्तुओं को देख करके तो मुंह में पानी आ जाता है, रीझ जाते हो। स्वर्ग देखा नहीं इसलिए न मिले के त्यागी हो, स्वर्ग दिखाई पड़े फिर तुम्हारा त्याग वैराग्य पता चले कि तुम में कितना त्याग वैराग्य है। संसार की किसी भी बहुमूल्य वस्तु को देखकर ललक होती, उसको पाने की इच्छा होती है, तो आप स्वीकार कर लो हम विषयी हैं, भोगी हैं, स्वीकार कर लो। ये झूठी मत बात बोलो कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। एक ही साधन है, खूब श्रद्धा से, खूब भाव से भगवान की कथाओं को बार बार सुनो, भगवान के चरित्रों को गाओ, फिर न कुछ संसार की वस्तु पाने की इच्छा रह जाएगी, न स्वर्गादि लोकों के भोगों की प्राप्ति की अभिलाषा रह जाएगी। और ये स्थिति जब आ जाएगी तो बिना किसी के अभिषेक के, बिना छड़ी छत्र चमर के आप सारे धरती के सम्राट हो जाएंगे। चाह गई चिंता मिटी मनुआवे परवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे ईसा हंसा।